الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم। मेरे भाई और बुजुर्गों और इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा आइम्मा-ए-इज़ाम उलमा-ए-किराम, मेरे भाई और बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने यूँ तो इंसानों में मुख्तलिफ़ कमालात मुख्तलिफ़ सलाहियतों वाले इंसान पैदा फरमाए। एक से खूबसूरत इंसान, मजबूत, ताकतवर, अक़ल वाले, समझ वाले, बड़े बड़े साइंसदान इस दुनिया में हमेशा पैदा होते रहे हैं। बड़ी सलाहियत वाले, बड़ी काबिलियत वाले इंसान हर ज़माने में मौजूद रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, काबिलियत के साथ साथ, सलाहियत के साथ साथ एक दूसरी चीज़ है जो इससे मिलती जुलती है, जिसे कबूलियत कहा जाता है। ये कबूलियत हर एक के हिस्से में नहीं आती। आकाए मदनी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का मुकर्रमा में बड़े बड़े सरदार, बड़ी वजाहत वाले, मर्तबे वाले मौजूद थे। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम से मिलता जुलता एक और नाम उमर इब्न हिशाम, जो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता था। मैंने पढ़ा है, अजीब बात पढ़ी है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को वो यूँ कहता था कि तुम बजाय अपने आप को उमर कहने के उमेर कहो। उमेर कहते हैं छोटा उमर, मैं बड़ा उमर हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने कबूलियत लिखी थी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के वास्ते, जो आकाए मदनी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की नीयत से चले। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके हिस्से में, उनकी किस्मत में कबूलियत रखी थी। तो कबूलियत का ताल्लुक़ काबिलियत से नहीं है। शैतान से बड़ा बासलाहियत कौन होगा, उससे बड़ा आबिद कौन होगा। और उलमा ने फरमाया है कि वो सिर्फ आबिद ही नहीं था, आलिम ही नहीं था, आरिफ भी था। मारिफत भी उसे अल्लाह की हासिल थी। कैन अल्लाह के जलाल के वक्त भी वो अपने लिए दरख्वास्त करने से नहीं रुका। जब मालिक को जलाल आता है, गुस्सा आता है, तो ऐसे में सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। एक तरफ अल्लाह ताला उसको फरमा रहे हैं उखरुज, निकल जाए यहाँ से, और वो साथ साथ कह रहा है अनज़िरनी, मुझे मोहलत दे दे, ऐसे नहीं जाऊँगा, मुझे मौका दो। तो उसके पास इल्म था, उसके पास इबादत थी, उसके पास मारिफत थी, काबिलियत थी, मगर कबूलियत उसके पास नहीं थी। ये नमूना है, वरना तो ऐसे बहुत सारे वाक़ियात मौजूद हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु का वाक़िया भी आपने सुना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, सैयदना हमारे सरदार, हमारे सरदार, न सूरत अच्छी न ख़ानदान बाइज़्ज़त ग़ुलाम, लेकिन अल्लाह ने उनके हिस्से में कबूलियत लिखी थी। शब महराज में आप सैर फरमा रहे हैं जन्नत की, रात को अल्लाह ने आपको जहाँ जहाँ चाहा घुमाया। सुबह के वक्त में आकाए मदनी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बिलाल कौन सा अमल करते हो कि मैंने तुम्हारे जूते की आवाज़, जो ख़ास आवाज़ होती बाज़ लोगों के चलने की, वो मैंने अपने आगे सुनी, इससे बड़ी कबूलियत और क्या होगी। ख्वाब देखते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद, अजान के बारे में मशहूर वाक़िया है, और सआदत मिल रही है बिलाल को जब उन्होंने सुबह सुबह ख्वाब सुनाया कि मैंने एक शख्स को देखा। सब लोगों को फिक्र थी कि अजान के लिए इत्तला कैसे हो, नाकूस हाथ में है, भाई इसको बेचते हो, क्या करोगे, नमाज के लिए इत्तला करेंगे। मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ बता दूं, हाँ बताओ। तो उन्होंने पूरी अजान सुनाई। उस वक्त यह वाक़िया तफसील मकसूद नहीं है। तो सुबह सुबह आँख खुलते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखा, और सहाबा ने भी देखा। आपने इरशाद फरमाया, बिलाल के बराबर में खड़े हो जाओ, उनको ये कलिमात सुनाते रहो, वो अजान पढ़े। तो ज़ाब्ते की बात तो ये थी कि मुअज्जिन उन्हीं को बनाया जाता। तो अल्लाह के यहाँ कबूलियत का पैमाना और है। मैंने अर्ज़ किया था कि अभी अभी हमारे क़ारी साहब ने आयतें पढ़ी हैं, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। न कोई रंग, न रूप, न ख़ानदानी वजाहत, न इल्म व हुनर। अल्लाह के यहाँ अगर मकबूलियत है तो तक़वे की वजह से मकबूलियत मिलती है। यही आयत मैंने पढ़ी, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। ये अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको चाहे चुन ले। अल्लाहु यस्तफ़ी इलैहि मन यशा। अभी अभी दारुल उलूम देवबंद का जिक्र हो रहा था, उससे खूबसूरत इदारे मौजूद हैं, उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने जो मकबूलियत दारुल उलूम देवबंद को अता फरमाई वो किसी और इदारे के हिस्से में नहीं आई, के बाकायदा एक मकतबे फ़िक्र बन गया देवबंद, मकतबे फ़िक्र बन गया। देवबंदी उलमा, उलमाए देवबंद। दारुल उलूम नाम के तो बहुत इदारे हैं, लेकिन अल्लाह ने मकबूलियत बख्शी दारुल उलूम देवबंद को। तो ई सआदत बज़ोर बाजू नेस तान बख्शद खुदाए बख्शिंदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने इनके हिस्से में सआदत लिखी काबतुल्लाह की बुनियादों पर काबे को खड़ा करने की। लेकिन इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मगर दिल में ख्याल है इस बात का कि अल्लाह ताला इस अमल को कबूल फरमाए। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अल्लाह से कबूलियत की दुआ की जा रही है। कबूलियत ना हो तो कितना ही बड़ा मकान तामीर कर दिया जाए। काबतुल्लाह के बारे में ये मशहूर है कि वो गोनिये में भी नहीं है, उसके चारों कोने बराबर भी नहीं, उससे खूबसूरत मकान दुनिया में मौजूद। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, अल्लाह ताला अगर हमें अपने फजलो करम से किसी अमल की तौफीक दे तो हमें उस पर इतराना नहीं चाहिए, अल्लाह का फजल समझना चाहिए और अल्लाह से हमेशा ये दरख्वास्त हो कि अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। यकीनन इल्म अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और उलमा का मकाम यकीनन बहुत ऊंचा, लेकिन अल्लाह ताला बेनियाज बेनियाज, वो चाहे तो सैकड़ों साल की इबादत करने वालों को मरदूद कर दे। बलआमे बाओ कुरान करीम में इसका वाक़िया मौजूद, मसलुहु कमसलिल कल्ब। तो असल चीज अल्लाह की नजर करम है, उसकी मोहब्बत है, वो कबूल करता है तो जर्रों को कबूल करता है, वो रद्द करता है तो सोने को रद्द कर देता है। इसलिए मेरे भाइयों, अब सवाल ये है कि क्या कोई आदमी कितनी मेहनत करे, अगर यही बात है कि कबूल नहीं होगा तो फिर इबादत कैसे होगी? इबादत कोई क्यों करे? मायूसी की कैफियत पैदा हो जाएगी, नाउमीदी की कैफियत पैदा हो जाएगी, और नाउमीदी और मायूसी तो कुफ्र है। मुसलमान और मायूसी, अरे तौबा अरे तौबा, वो मुस्लिम ही नहीं जिसका यकीन कामिल नहीं होता। मुसलमान को तो मायूस होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमें ऐसा कौन सा तरीक़ा इख्तियार करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमें ये तवक्को हो कि हमारा ये अमल कबूल भी हो जाए। उसके लिए अल्लाह ने आसान तरीक़ा बता दिया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। तक़वे वाले लोगों का, परहेजगार लोगों का अमल अल्लाह रद्द नहीं फरमाते, ये अल्लाह ने गारंटी दे दी। इसलिए जो हमारे हजरत मौलाना ने आयत पढ़ी थी बिल्कुल शुरू में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, तो इल्म और खशियत ये दोनों के दोनों ऐसे हैं जैसे एक माँ के पेट से एक वक्त में दो बच्चे पैदा होते, माल और तुग़यान। इल्म और खशियत ये दोनों करीब करीब लाजिम। इल्म वही जिसमें खशियत हो। इसी वास्ते आकाए मदनी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं हमें सिखाई हैं उसमें ये दुआ भी है कि अल्लाह मुझे तक़वा अता फरमा, ऐसा तक़वा जो मेरे और गुनाहों के दरमियान में आड़ बन जाए, रुकावट बन जाए। तहूलु बैनी व बैन मासियतिक। इसलिए तक़वा और परहेजगारी इख्तियार करना कुरान करीम की इस आयत की रूह से समझ लीजिए कि ये कबूलियत की गारंटी है। कंपनी वाले गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं, आजकल तो अगर चाहिए आता है कि भाई अब कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसूल ज़ाब्ता बयान फरमा दिया। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के यहाँ बेज़ाब्तगी हो, कोई उसूल ना हो, अंधेर नगरी हो, अंधेर नगरी नहीं है। इसलिए ये चीज़ तमाम ही लोगों के लिए तक़वा परहेजगारी, आप ये ना समझें कि ये सिर्फ उलमा ही के लिए ज़रूरी, बस वही परहेजगार होंगे, वही मुत्तकी होंगे, वही गुनाहों से बचेंगे, हम तो आम आदमी हैं, हमें गुनाहों से बचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे भाई और बुजुर्गों, तक़वा और परहेजगारी इसके कुरान करीम में फ़वाइद भी आए हैं। ये सिर्फ आखिरत ही में काम आने वाली चीज नहीं है, बल्कि दुनिया में भी इसके फवाइद इंसान को मिलते हैं। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। आज कौन आदमी ऐसा है जिसे रिज्क की जरूरत ना हो? किसी से पूछ के देखो, रिज्क की तंगी, परेशानी, मुसीबतें। इस आयत में अल्लाह ने मुसीबतों से निकलने की शक्ल क्या हो सकती है वो भी इरशाद फरमा दी। यजअल लहू मखरजा, मुसीबतों से निकलने के रास्ते अल्लाह बना देते हैं और ऐसी जगह से रिज्क देते हैं कि आदमी को ख्याल भी नहीं होता यहाँ से रिज्क मिल सकता है। कामों में आसानी, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, कामों में आसानी। ये कुरान करीम की आयतें अजर को बढ़ा देते हैं। इसी वास्ते में जगह जगह ये बात अर्ज करता हूँ कि आज आम मुसलमान कुरान से बहुत दूर हो गया और ये कुरान करीम अल्लाह के यहाँ शिकायत करेगा। रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम में वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरान महजूरा। अब ये भी कुरान करीम नमाज में पढ़ा गया, कितना लुत्फ़ आया। उसके बाद कुरान करीम पढ़ा गया, कितना मज़ा आया। तो मैं अर्ज़ किया करता हूँ अपने इलाके में कि हम कुरान करीम को बचपन से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हैं। सूरह फातिहा हमने जिंदगी में कितनी बार पढ़ी होगी, कितनी बार सुनी होगी। जो नमाजी आदमी कम से कम 30 मरतबा तो सूरह फातिहा पढ़ता है। फराइज में पढ़ता है, फितरों में पढ़ता है, 20 रकातें हो गई, कम से कम 10 रकातें तो सुनन मुअक्कदा ही पढ़ लेता है। तो रोज़ाना करीब करीब 30 मरतबा पढ़ना सुनना। लेकिन हमारा कुरान करीम से दूरी का ये आलम है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जमा तक मालूम नहीं। आम मुसलमानों की बात। इसलिए हर मस्जिद में दरसे कुरान की मजलिसें होनी चाहिए। अभी बात हो रही थी, अल्लाह के करम ने मस्जिद उलमा दे दिए। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह, मैंने सुना कि बाज़ जगह ऐसे पुराने इमामों के पीछे नमाज पढ़ने का मौका हुआ, हजरत ने नमाज लौटाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बात नहीं। अच्छे कुर्रा, अच्छे उलमा। बात हो रही थी उलमा कराम की, लेकिन हम इनकी सोहबत से वो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं जैसा हमें इनसे फायदा उठाना चाहिए था। यकीनन मस्जिद फज़ाइल अमाल पढ़ी जा रही है, मुंतखब आदीस बिल्कुल पढ़ी जानी चाहिए, वक्त की ज़रूरत है। लेकिन ये कुरान करीम जो अल्लाह का पैगाम हमारे पास आया हमारी हिदायत रहनुमाई के लिए, तो क्या हमने कभी इसकी भी कोशिश की कि इस कुरान करीम में क्या है ये हमें मालूम हो जाए? कोई शिकवा करे कि तो अरबी में है, उर्दू में होना चाहिए था, हिंदी में होना चाहिए था। मैं मिसाल से समझाया करता हूँ कि भाई आजकल अल्हम्दुलिल्लाह शादी ब्याह के कार्ड बड़े अच्छे अच्छे छपते हैं और जो बड़े लोग होते हैं उनके शादी कार्ड इंग्लिश में छपते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लिश के कार्ड सारे इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों ही के पास जाएं। कुछ ऐसे भी मिलने जुलने वाले होते हैं जिनके पास इंग्लिश ज़ुबान नहीं होती। अब अगर कोई कार्ड खूबसूरत कहीं से आया है तो उस आदमी की कैफियत क्या होती है? सबसे पहले ये कह भाई जरा पढ़वाओ, कहाँ से आया है, किसका नाम है इसमें? खुद नहीं पढ़ सकता, लेकिन जब तक उसको ये मालूम ना हो जाए कि ये खूबसूरत कार्ड कहाँ से आया है, चैन नहीं आता ना। वो ये उजर करता कि मैं तो इंग्लिश नहीं जानता, आपने मेरे पास इंग्लिश का कार्ड क्यों भेजा? तो जब हम शादी ब्याह के कार्ड में, चाहे वो किसी भी जुबान में आए, हम उसको जानते हों ना जानते हों, उस दावत को कबूल करने को अपना फर्ज मनसबी समझते हैं। तो आखिर कुरान करीम के बारे में ये उज़र क्यों है कि ये तो अरबी जुबान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमारे दरमियान में उलमा मौजूद हैं, आप दरख्वास्त करें उनसे कि हजरत फजाइल अपनी जगह हैं, वो भी पढ़े जाएंगे, मुंतखब हदीस पढ़ी जाएंगी, लेकिन नमाज तो 5 हैं। अगर सिर्फ एक ही नमाज होती तो चलो फिर तो मसला खड़ा हो जाता कि भाई फजाइल पढ़ें या क्या पढ़ें, नमाजें तो 5 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी एक नमाज में दरसे कुरान हो जाए, 5 मिनट के लिए हो जाए, हमारे उलमा ने बड़ी सहूलत कर ली। अच्छी अच्छी तफसीरें मौजूद हैं उर्दू जुबान की, और उलमा के लिए तो अरबी भी कोई मुश्किल नहीं है। तफसीर मजहरी देखें और दीगर तफासिर देखें। तो ये कमी हमारी तरफ से है कि हमने अपने उलमा को उनका वो फर्ज मनसबी नहीं दिया जिसके वो हकदार थे कि वो हमारी रहनुमाई करें, बस इमामत तक महदूद। तो ये कुरान करीम हमारी रहनुमाई करता है, इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो बात चल रही थी कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि यत्काकुम, ना कोई ख़ानदान, ला फ़ज़ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अबयद अला अस्वद। किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी सफ़ेद को काले पर कोई फजीलत नहीं। तो अपने अंदर कमाल पैदा करें, अपनी इबादतों में कमाल पैदा करें, और अल्लाह से भी दरख्वास्त भी करें। इसी वास्ते तमाम जो बड़ी इबादतें हैं उनके बाद में हुक्म ये है कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करो कि अल्लाह मैंने कुछ नहीं किया। नमाज फर्ज पढ़ते हैं तो हदीस में आता है कि फर्ज नमाज से फारिग होने के बाद में अस्तगफिरुल्लाह 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 कहा जाए। ये इस बात की जमानत है कि आदमी को अपने अमल पर कमाल नहीं है, इसलिए अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है। अल्लाह ना मालूम क्या गलती हुई, सजदे में गलती हुई, रुकू में गलती हुई, क़याम में गलती हुई, कहाँ गलती हुई मुझे कुछ मालूम नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। रोज़ा हम खोलते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं, क्या दुआ सिखाई गई? या वासी अल फजली इग़फिर ली, या वासी अल फजली इग़फिर ली। दिन भर भूखा रहा, दिन भर प्यासा रहा अल्लाह के वास्ते, लेकिन दुआ ये सिखाई गई अब भी इस्तिग़फार करो। दिल में गुरूर, दिल में घमंड, दिल में बड़ाई नहीं आनी चाहिए। मैंने इतनी बड़ी इबादत कर दी, दिन भर भूखा रहा। ज़कात बड़ा अमल है, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा ख़ैरन व आज़म अजरा वस्तग़फिरुल्लाह। नमाज के बाद भी इस्तिग़फार, रोज़े के बाद भी इस्तिग़फार, ज़कात के बाद भी इस्तिग़फार। दिल में ख्याल ना आ जाए मैंने इस गरीब आदमी की मदद की, मैं बहुत बड़ा आदमी। हज की बड़ी सआदत किसी को मिल जाए, अल्लाह ताला हम सबको आपको नसीब फरमाए। तो मैं तो हाजी बन गया, मैं तो हाजी बन गया। कोई हाजी ना कहे तो आदमी को तकलीफ होती है, तो मुझे हाजी भी नहीं कहा। लेकिन हुक्म क्या है? सुम्मा अफीदू मिन हैसु अफादन नासु वस्तगफिरुल्लाह। हर अमल में ये सिखाया गया कि अपने किसी अमल को बड़ा ना समझो। कबूलियत उन्हीं लोगों को मिलती है जो अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार करते हैं, बड़ों को कभी कबूलियत नहीं मिलती। आकाए मदनी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, साफ़ सुथरी ज़िंदगी, पाक ज़िंदगी, कुरान करीम में ऐलान कर दिया गया लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्खर। माफ़ी अमल तो होता ही नहीं, अगर खिलाफ़े औला कभी हो गया माफ़ी। लेकिन आखिर ज़माने में क्या हुक्म आया? इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर। अब आराम करने की ज़रूरत नहीं है, पड़ जाओ मेरा, हमने सारा काम कर दिया। मिना के मैदान में आप सहाबे कराम को खिताब करके फरमाते हैं, अला क़द बल्लग़्तु, मैंने पहुंचा दिया। सबने कहा बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा दिया। तो आपको बेफिक्र हो जाना चाहिए था। अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़, इंसान तो दुनिया में अल्लाह के गवाह है। जिस बात की गवाही ज्यादा लोग देते हों अल्लाह के यहाँ मकबूल है। तो सब सहाबा कह रहे हैं, लाखों सहाबा कह रहे हैं बिल्कुल आपने पहुंचा दिया, तो आपको बेफिक्र हो जाना चाहिए था। नहीं, मैंने अपना काम कर दिया, मैं आराम करूंगा। नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया, अब अल्लाह की पाकी बयान कीजिए और इस्तिग़फ़ार कीजिए, इस्तिग़फ़ार। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, इस मुख्तसर सी मजलिस में मुझे यही अर्ज़ करना था कि जो करें, छोटा अमल हो या बड़ा अमल, वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, जो अल्लाह के लिए है वो अल्लाह को पसंद आता है, अल्लाह कबूल करते हैं। आजिज़ी, तवाज़ो अल्लाह को इसी वास्ते पसंद आती है, बड़ाई तो उसी के लिए। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़, बड़ाई तो अल्लाह के लिए। इंसान तो जितना झुकेगा अल्लाह उसको उतना ही ऊंचाई देंगे। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाहु। आक़ाए मदनी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दे दी। तो अल्लाह के सामने आजिज़ी, हदीस शरीफ में बात मौजूद है, जब आदमी नमाज पढ़ता है, नमाज से फारिग हुआ और ये कहता है अल्लाह मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह कहते नहीं, घर से तो चल के तू ही आया, वुज़ू तो तूने की, क़याम तो तूने किया, रुकू तूने किया, सजदा तूने किया, सारे काम तो तूने किए। और अगर बंदा यूँ कहे मैंने सारी रात नमाज पढ़ी, अल्लाह कहेंगे क्यों, ताकत किसने दी थी, खड़े होने की ताकत कहाँ से लाया था। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह का एक निज़ाम है। इसलिए तक़वा, परहेजगारी, आजिज़ी, तवाज़ो, ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से कबूलियत मिलती है, और ये तजर्बे की चीज़ें हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोती नव्वरल्लाहु मरकदहू, सारी दुनिया में नाम रोशन है, कासमी कासमी कासमी। इस निस्बत को हासिल करने के लिए हमारे बच्चे कुछ भी हो कासमी बन जाओ, मौलाना कासिम साहब से निस्बत मिल जाए। लेकिन खुद वो कैसे थे, अगर कहीं इलाके में निकल जाते लोग उनको पहचानते नहीं थे कौन है, लेकिन अल्लाह ने ये कमाल बख्शा। हजरत का मिजाज हमने पढ़ा है किताबों में के सामने दूसरों को लाते थे, खुद पीछे रहते थे, लेकिन अल्लाह ने पीछे नहीं रहने दिया। हाजी मोहम्मद आबिद साहब, सैयद आबिद हुसैन साहब, बड़ी शख्सियत, दारुल उलूम देवबंद के क़याम में बहुत बड़ी कुर्बानी है उनकी, बड़ी कुर्बानी है उनकी। चंदे की शुरुआत उन्होंने की। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं दीगर उलमा के मकाम को कुछ कम, नहीं, मैं कबूलियत की बात कर रहा हूँ। तो सादगी, सादा लिबास, बिल्कुल सादा लिबास। और मैंने सुना है हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब ने नव्वरल्लाहु मरकदहू की तकरीरों में पढ़ा है कि हज़रत यूँ फरमाया करते थे, ये इल्म मेरे साथ लग गया, वरना तो कासिम कहाँ से आया कहाँ गया किसी को पता भी न चलता। तो अपने आप को मिटाना, ये कैफियत जब इंसान के अंदर, मगर ये कैफियत मिलती है, कैसे मिलती है, मिटे हुओं के पास रहने से मिलती है। जैसा बनना चाहते हैं वैसो ही के पास चले जाओ। आसान काम। अगर कोई हमारा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ेगा। डॉक्टरों के पास रहेगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियरों के पास रहेगा तो इंजीनियर बनेगा। इसी वास्ते तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह, और अगले ही जुमले में बता दिया कैसे तकवा मिलेगा। वकूनू मास सादिकीन, भी तकवा हासिल करना है तो तकवे वाले लोगों के पास रहो। तो अपने अपने इलाके में आप सभी हजरात ऐसे लोगों को तलाश करें। ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ें उनका हों। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर फैज़ याफ्तागान बुजुर्गों की सोहबत पाए हुए मौजूद, बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उनके पास जाएं, उनकी सोहबत में रहें, उनसे कुछ सीखें। यकीनन अल्लाह ताला महरूम नहीं फरमाए। तो मैं तो आपकी खिदमत में इसी वास्ते हाजिर हुआ कि भाई बड़ी जमात में अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं। जितनी बड़ी जमात होगी उतने मकबूल बंदे होंगे। तो इस बड़ी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी शक्लें सूरतें मुझे नज़र आ रही हैं। और भाई दिल में किसी के क्या है ये अल्लाह ही जानता है। हम जाहिर में किसी के बारे में फैसला नहीं कर सकते, कौन क्या है अल्लाह ही जानता है। इसी वास्ते तो हुक्म दिया गया कि तमाम मोमिनों के साथ में अच्छा गुमान रख, किसी को हकीर ना समझो, किसी को मामूली ना समझो। यहाँ तक के कुफारों मुशरिकीन को भी इस एतबार से हकीर जलील समझो कि नामालूम अल्लाह उनको हिदायत दे दे, किसको कब हिदायत दे दे। हजरत अब्दुल्लाह अंदलूसी का वाक़या मशहूर, इस वक्त सुनाने का मौका नहीं। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, अपनी फिक्र करें, अपनी फिक्र करें, अपनी इस्लाह की फिक्र करें। नमाज, तिलावत, तस्बीहात यकीनन लाज़मी है, लेकिन इनमें कमाल पैदा करने के वास्ते ज़रूरी है कि बाकमाल लोगों के पास जाया जाए। अन तअबुदल्लाह कअन्नक तराहू फ़इन लम तकुन तराहू फ़इन्नहू, ये कैफियत पाने के लिए, ये कैफियत पाने की, नमाजों में जमईयत पाने के बाद दिल की जमईयत, दिल का इत्मीनान, तवज्जो पाने के लिए सोहबतें ज़रूरी हैं। ज़माना हमें दिखाता चला रहा है, वाक़ियात मौजूद हैं, दलाइल देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बदीही चीज़ है, नजरी चीज़ नहीं कि दलील दी जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपना कुर्ब, अपनी मोहब्बत, तकवा, परहेजगारी नसीब फरमाए। और भाई मैं भी उलमाए कराम से माजरत करता हूँ कि मालूम नहीं क्या सोच के आए होंगे, मैं तो एक मामूली आदमी। ठीक है, अल्लाह ने कुछ निस्बतें साथ लगा दी हैं, बस ये जो कुछ है उन्हीं की वजह से है। वरना मन आनम, मन दानम, मन आनम, मैं क्या हूँ मैं ही जानता। ये आपका हुस्न है, आपकी मोहब्बत है, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपके हुस्न ज़न के मुताबिक हमारे अंदर वो सारी सिफ़ात पैदा फरमा दे जो हमारे अहबाब ने मेरे बारे में यहाँ बयान फरमाई हैं। ऐसा है, वैसा है। मैं तो कभी कभी सोच के बहुत शर्मिंदा होता हूँ कि, लेकिन साथ साथ में दुआ भी करता हूँ, अल्लाह जैसा मेरा भाई मेरे बारे में कह रहा है अल्लाह मुझे उससे बेहतर बना दे, ये कम से कम उतना तो बना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व सब्बित अक़दामना वन्सुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलक़ौमिल ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वज्अलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा वफ़्क़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अक़्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़्निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल्गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला ग़फ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा ले। अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह जिस अक़ीदत और मोहब्बत के साथ में हमारे अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए, अल्लाह इनकी तशरीफ़ आवरी को कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हमें अपने दीन की खिदमत और नुसरत के लिए कबूल फरमा ले। ईमान और यकीन की ज़िंदगी हमें अता फरमा दे। अल्लाह आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर किस्म की बुराइयों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारी ख़ताओं से अल्लाह दरगुजर का मामला फरमा, अफ़्व व करम का मामला फरमा। अल्लाह यकीनन गुनहगार हैं, यकीनन गुनहगार हैं, यकीनन गुनहगार हैं, ख़तावार हैं, सियाकार हैं। अल्लाह तूने हमारे ऐबों पर पर्दा डाल रखा है। तू सत्तार है, अल्लाह सत्तारुल अयूब है, गफ़ारुल ज़ुनूब है, अल्लाह मुल्ग़यूब है। अल्लाह तूने पर्दा डाल रखा है। हमारी हकीकत अल्लाह अगर सबके सामने आ जाए, अल्लाह लोग थूकने को भी तैयार ना हो। अल्लाह जैसे तूने सत्तारी का मामला फरमाया है, गफ़ारी का भी मामला फरमा दे, गफ़ारी का भी मामला फरमा दे। माफ़ी अता फरमा दे, माफ़ी अता फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों में तक़वा पैदा फरमा दे, अपना खौफ अता फरमा दे, अपनी खशियत नसीब फरमा दे, गुनाहों से नफ़रत पैदा फरमा दे, बुरे कामों को बुरा समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा, बुराइयों की बुराई हमारे दिलों में पैदा फरमा, आमाल सालिहा हमारे लिए आसान फरमा, नमाज़ों की पाबंदी नसीब फरमा, नमाज़ों की पाबंदी नसीब फरमा। हमारे सारे भाइयों को हिदायत नसीब फरमा, सारे मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह हिदायत को आम फरमा दे, हिदायत को आम फरमा दे। अपने सारे बंदों को हिदायत नसीब फरमा दे। अल्लाह जो हमारे दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, हर वक्त साजिश में लगे हुए हैं, अल्लाह तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। उनके दिलों को फेर दे, उनके दिलों को फेर दे। तूने पहले भी दुश्मनों से काम लिया है, दुश्मनों को दोस्त बनाया है, दिल तेरे कब्ज़े में है। अल्लाह हमारे दुश्मनों को दोस्त बना दे, जो गुमराह हैं उन्हें हिदायत दे दे, जो दीन के मिटाने की फ़िक्र में है अल्लाह उनको दीन का बुलंद करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह मसाइल को हल फरमा दे। इस मुल्क में हमारे लिए जो मसाइल पैदा हो रहे हैं अल्लाह तू ही इनका हल निकालने वाला है। सब कुछ तेरे कब्ज़े में है। मुसलमानों को इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाह ज़िल्लतों से निकाल दे, रुसवाई से निकाल दे, बददीनी से निकाल दे। इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमा, आफ़ियत के सुकून की ज़िंदगी अता फरमा। हमारे जो भाई परेशान हाल हैं, बल्कि हम सब किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हैं और मुश्किल कुशा तू ही है, हाजत रवा तू ही है। अल्लाह तू ही इन मुश्किलात का हल करने वाला है। हमारी मुश्किलात को आसान फरमा दे, परेशानियाँ दूर फरमा दे, कर्ज़े वालों के कर्ज़े उतार दे, बीमारों को शिफा दे दे, बेरोज़गारों को हलाल रोज़ी दे दे, जो बे औलाद हैं नेक औलाद दे दे, जिनके बच्चे निकाह के काबिल हो गए अच्छे रिश्ते अता फरमा दे और आसानियाँ अता फरमा दे। फजूल खर्ची से अल्लाह हिफाजत फरमा, इसराफ से हिफाजत फरमा, सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमा, सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमा, सुन्नतों की मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अपने हबीब पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, अपनी कामिल मोहब्बत नसीब फरमा, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा नसीब फरमा, कामिल इत्तिबा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस मजमे को कबूल फरमा। मजमे में अल्लाह हमारे हर किस्म के भाई मौजूद हैं, जवान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं। ऐ अल्लाह तू सबके दिलों से वाकिफ़ है। अल्लाह इस मजमे में हमारे जो तेरे नेक बंदे मौजूद हैं उनकी वजह से अल्लाह हम सबको कबूल फरमा ले और जो कुछ हमने कहा सुना अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा। जो हम दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा दे, अल्लाह अपनी रज़ा अता फरमा दे। तो हम सब से राज़ी हो जा, हम सब से राज़ी हो जा। अल्लाह हमारी बस यही दरख्वास्त, हम यही चाहते हैं तू राज़ी हो जा। तू राज़ी है तो सब राज़ी, तू नाराज़ है तो अल्लाह हमें किसी की रज़ा का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह अपनी रज़ा अता फरमा दे, अपनी मोहब्बत अता फरमा दे, हम सब की रोज़ी में बरकत अता फरमा दे, इस्तिक़ामत नसीब फरमा दे, दीन पर जमे रहना नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल फरमा ले, हमारी दुआओं को अपने फजल करम से और अपने हबीब पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व साबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।